आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जो कोटेशंस है उसके थ्रू उनके थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। जो उनका सबसे पहला कोट है और सबसे फेमस कोट है वो है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। देयर आर टू वेज ऑफ लिविंग लाइफ। एक ऑप्शन तो ये है कि जैसी हमारी रियलिटी है वो हमारे फ्यूचर को डिफाइन करे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपकी करंट रियलिटी ये है, इस लेवल पे है, आपके पेरेंट्स ने यहां तक अचीव किया है, तो अगर उसके बेस पे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा तो मैक्सिमम वहां से आप यहां तक सोच सकते हो। आपके पेरेंट्स भी यहां से यहां तक सोच सकते हैं, उससे ऊपर नहीं सोच सकते। बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से और पास्ट से बिल्कुल अलग हो, तो उसके लिए ड्रीम्स की जरूरत है, उसके लिए इमेजिनेशन की जरूरत है कि वो इमेजिनेशन आपको भगाए, ना कि आपकी जरूरतें या आपकी मजबूरियां आपको भगाएं। और इमेजिनेशन की खास बात क्या है, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल है कि आप कहां तक सोच सकते हो, आप कहां तक इमेजिन कर सकते हो, उसका आपकी रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। हो सकता है आप एक ऐसे बैकग्राउंड से हो जहां से कि वो इमेजिनेशन दूर दूर तक मैच नहीं हो रही है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहले तो एक इतने छोटे से गांव से निकल करके एक इतना बड़ा साइंटिस्ट बनना और उसके बाद में भी इस कंट्री के प्रेसिडेंट बनना, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए वो एक आइडल हैं आज भी। अगर जिस बैकग्राउंड से वो आए, जो उनकी रियलिटी थी, अगर उसके बेस पे उनका फ्यूचर डिसाइड होता तो कभी भी वो इसका 1% भी अचीव नहीं कर पाते जो उन्होंने अचीव किया। लेकिन जो भी कुछ उन्होंने अचीव किया वो किया अपनी ड्रीम्स के बेस पर। और अगर ध्यान से उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करोगे तो कभी भी उनका सपना ये नहीं रहा कि मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, मुझे वो पाना है, क्योंकि ये सपना तो आपको भिखारी बना देता है। उनका सपना हमेशा से ये रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अब ये कर लिया, अब ये करना है, अब ये कर लिया, अब मुझे ये करना है, अब ऐसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है, अब ऐसे शेयर करना है। इनफैक्ट एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसको कितना मिला है, क्योंकि अगर इसी से होती तो सबसे ज्यादा लाइफ में किसको मिलता है, एक भिखारी को, पूरी जिंदगी सिर्फ मिलता ही मिलता है। तो एक आदमी की असली पहचान इससे नहीं होती कि उसको कितना मिला है, बल्कि इससे होती है कि उसने क्या दिया है। तो अगर उनकी लाइफ को आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप एक ही चीज नोट करोगे कि उन्होंने सिर्फ दिया ही दिया है। बड़ी सिंपल लाइफ जी है उनकी। लाइफ को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, बहुत ही सिंपल लाइफ, डाउन टू अर्थ लाइफ, और लाइफ का सिर्फ एक ही मिशन रहा है कि किस तरीके से मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, किस तरह से जो आने वाली जनरेशन है उसको इंस्पायर किया जा सकता है, किस तरह से बच्चों के अंदर जो एक स्पार्क है जो हर बच्चे में होता है उस स्पार्क को इग्नाइट किया जा सकता है, यही उनकी पूरी लाइफ का मिशन रहा है। ऐसी लाइफ कैसे पॉसिबल हो पाई, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रीम्स, ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनिंग द फ्यूचर एज ही वॉन्टेड। इनफैक्ट जानवरों में और इंसानों में सबसे बड़ा फर्क यही है, जानवरों को उनकी जरूरतें भगाती है, उनकी मजबूरियां भगाती है, उनकी भूख भगाती है। बट इंसान होने का असली मतलब यह है कि आपको आपकी जरूरतें ना भगाए, बल्कि आपकी सोच भगाए, बल्कि आपकी ड्रीम्स भगाए, बल्कि आपकी इमेजिनेशन भगाए। आप फ्यूचर को खुद इमेजिन करो, जैसा फ्यूचर आप चाहते हो अपने लिए, और फिर उस फ्यूचर को क्रिएट करो। दैट इज द पावर ऑफ बीइंग ह्यूमन। इसीलिए कहा जा रहा है, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। तो मैंने अपने अलग अलग सेशंस में कई बार ये बात बोली है, लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक बार और बोलनी बनती है यहां पर। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए फेल नहीं होते हैं कि वो कुछ बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत ही छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं, यानी कि उनकी ड्रीम्स होती ही नहीं है। लोग इसलिए नहीं फेल होते हैं कि उनकी बहुत बड़ी ड्रीम्स थी और वो पूरी नहीं हुई। लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि एक्चुअल में उनकी कोई ड्रीम्स थी ही नहीं। नेक्स्ट कोट इज, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। इस कोटेशन की जो डेप्थ है वो वही समझ सकता है जिसने एक्चुअल में बहुत बड़ी सक्सेस लाइफ में अचीव करी हो और जिसने बहुत बड़े बड़े फेलियर्स भी देखे हो। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पानी की इंपॉर्टेंस सिर्फ वो आदमी समझ सकता है जो कभी प्यास से तड़पा हो, खाने की इंपॉर्टेंस वो आदमी समझ सकता है जिसने भूख देखी हो, जिसको बचपन से ही 56 भोग मिला है, जितनी उसकी भूख थी उससे बहुत ज्यादा मिला है, क्या उसके लिए खाने की कोई वैल्यू है? बट जो आदमी 2 दिन से भूखा है उसको आप कुछ रूखा सूखा भी दोगे तो उसकी क्या वैल्यू है उसके लिए, वो सिर्फ वही आदमी जानता है। ऐसे ही
सक्सेस का मतलब सिर्फ वो आदमी समझ सकता है जिसको सक्सेस मुश्किल से मिली हो, जिसके बाप ने कुछ किया और करके एक लेवल तक पहुंचा और उस बच्चे को ले जा करके कुर्सी दे दी और वहां पर बिठा दिया। वो कभी नहीं समझ सकता कि सक्सेस का मतलब क्या है। इनफैक्ट सक्सेस को वही आदमी डीपली इंजॉय कर पाएगा और ज्यादा टाइम तक इंजॉय कर पाएगा जिसको वो सक्सेस बहुत ही मुश्किल से मिली हो, जो उसके लिए बहुत तड़पा हो। इसको आप इस तरीके से कह सकते हो कि एसी का मजा एक्चुअल में किसको आ सकता है, जिसने गर्मी को फील किया हो, जिसने गर्मी को एक्सपीरियंस किया हो। जैसे मुझे अपने एक बचपन की एक बात याद है, व्हेन आई वाज आई थिंक अराउंड 8 to 10 ईयर्स ओल्ड, तो हमारे घर में पंखे होते थे, तो हमारे एक रिलेटिव होते थे, उनके घर में एसी लगा था। उस वक्त एसी बहुत कम घरों में होता था, आज तो कॉमन हो गया है। मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है वो फीलिंग, जब मैं उनके घर जाता था तो वो जो एसी वाला कमरा था, जैसे ही उसका गेट खोलता था और वो हवा पड़ती थी या अंदर थोड़ी देर के लिए बैठने को मिल जाता था, तो क्या फीलिंग आती थी वो मैं ही जानता हूं। दैट वॉज लाइक हेवन ऑन अर्थ। जबकि देखा जाए तो क्या है कि एसी तो है। अब ये फीलिंग क्या कभी उस बच्चे को मिली होगी जो पैदा ही एसी में हुआ? तो मुश्किलों से डरो मत, मुश्किलों को अपना दुश्मन मत समझो, मुश्किलें आपकी एक्चुअल में दोस्त है। क्योंकि जितनी ज्यादा आपने मुश्किलें सही हैं, जितने ज्यादा आपने फेलियर्स देखे हैं, उतना ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है जब आपको सक्सेस मिलेगी। मैंने ओनली सोचा कि अगर अच्छा मैं 1 घंटे में अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगी, बट 15 मिनट्स में मैं इतनी ज्यादा बोर हो जाती हूँ कि अब नहीं करना। मतलब ये है कि जो लेजीनेस का एक कॉज, जो आपने यहाँ पे वर्ड यूज किया, दैट इज बोर हो जाती हूँ। इज बोर्डम दी कॉज ऑफ लेजीनेस? कि जब हम कुछ बोरिंग करते हैं तब हम लेजी होते हैं, या जब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तब भी हम लेजी होते हैं? जैसे आज का सेशन यहाँ पे आना इंटरेस्टिंग लग रहा था या बोरिंग लग रहा था? आपके पेरेंट्स ने जबरदस्ती भेजा है आपको यहाँ पर? No. या उन्होंने रोकने की कोशिश करी थी फिर भी आप लड़ झगड़ के आ गए? हुआ होगा ऐसा भी किसी ना किसी के साथ में? Yes. पिट पिटा के आए हैं, चाटे वाटे खा के आए हैं, व्हाटएवर। नींद कितनों को ढंग से नहीं आई? मतलब एक्साइटमेंट था? Yes. सुबह अपने आप अलार्म से पहले उठ गए? Yes. तो क्या हमको समझ आ रहा है, जिस काम में हमारा इंटरेस्ट होता है वहां पे हम कभी लेजी नहीं होते। और ये भी हो सकता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन मुझे बोरिंग लगता है, तो जैसे ही मेरे से वो काम करवाया जाएगा तो वहां पर मैं लेजी हो जाऊंगा। तो इसका जो कनेक्शन है बोर्डम से है, जैसे एक बीमारी होती है ना, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, ये कॉज नहीं है बीमारी का। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका पेट खराब हो रहा है, तो वो सब सिम्टम्स हैं जो भी कुछ हो रहा है। बीमारी का जो कॉज है वो कुछ और है। अगर उस कॉज को हम समझ लेते हैं तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दोबारा से वो सिम्टम्स आने बंद हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिम्टम्स को ही ट्रीट करने की कोशिश करते हैं तो हर थोड़े दिन बाद वो आते रहेंगे जब तक कि कॉज वहां पर पड़ा हुआ है। तो आपको देखना है कि आप कॉज को ठीक कर रहे हैं लेजीनेस के या सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं। वो पता कैसे लगेगा? जैसे ही एक्सटर्नली कोई मोटिवेशन आता है, यानी मेरी वीडियो देखी या कोई एनर्जेटिक सा गाना सुना, कर हर मैदान फतेह और ये वो, आपने कहा अब तो फतेह करके ही रहूंगा, मतलब भैया यही तो गाना चाहिए था, मिल गया। हाँ, और सुना गाना या मेरा कोई सेशन देखा, एकदम से एक्साइटेड हो गए, एकदम से चार्ज्ड अप हो गए, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद बैक टू नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ सिम्टम्स पे काम कर रहे हो, और अगर बार बार ये काम करते भी रहो तो इससे कुछ होने वाला नहीं, ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है। देखोगे थोड़ी देर के लिए चार्ज्ड अप हो जाओगे, फिर वापस से बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। दूसरा क्या है परमानेंट, अगर आप इसके कॉज को अगर आपने पकड़ लिया है तो, कि एक्सटर्नली चाहे आपको कोई आकर के बोल रहा है कि मत करो मत करो, लेकिन आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, आई एम ऑन द राइट पाथ। ये बोले, वो बोले, वो बोले, कोई भी मुझे बोले, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उससे फर्क क्या पड़ता है, मुझे करना है तो करना है। अब आपके ऊपर लेजीनेस हावी नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा हो जाए तो काम हो गया। प्रॉब्लम क्या है, बेसिक जो ह्यूमन साइकी है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें कुछ करना ना पड़े, बस बैठे बैठे हमारे सारे काम हो जाए। कि सर ये जो आप बता रहे हो विजन, ये वो ड्रीम को, इसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, कोई ऐसा रास्ता बताना जो शॉर्टकट हो। तो इसके लिए ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, इसको समझने के लिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जिनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो कभी भी आलसी नहीं मिलेंगे आपको। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या, कि मैं 18 साल से ऊपर हो गया हूँ, आप में से कितने जो 18 साल से ऊपर है? हाँ, सारे हैं। तो दैट मीन्स कि अगर आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो, अगर है तो क्या आना चाहिए अंदर से, कि मुझे बैठे बैठे नहीं खाना है अपने माँ बाप का, फ्री में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, 1 रुपये भी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो मेरे माँ बाप हो चाहे कोई भी हो, अपने बेस पे कुछ करना है। ये सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसी बहुत कम लोगों में मिलती है। कहीं पे भी कोई ऑफर निकाल दो जहाँ पे ये बोल दो कि हाँ ये लकी ड्रॉ है,
और लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं इंग्लैंड में, सब भिखमंगे भरे पड़े हैं। ये कैसी सोच है?